एक्सक्यूज मी, एक मिनट, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इंतजार करने की। मैं तुम्हें अभी इस वक्त ये कह रही हूं कि मैं अब वापस नहीं आऊंगी। तुम्हें तलाक देनी है, पेपर्स भिजवा देना, एड्रेस है तुम्हारे पास। मेरी नन तो जब आती थी ना, उनकी यही ख्वाहिश होती थी कि मेरा और रहमान का झगड़ा हो जाए, और वो सारा दिन कोशिश करती रहती थी। कभी रहमान को चढ़ा रही हैं, और रहमान शाम में आके ना मुझे सब कुछ बता दिया करते थे। वैसे तारीफ है रहमान भाई की, बहन की बातों में कभी भी ना आए, और वो बेचारी साजिशें करती करती इस दुनिया से ही चली गई। वैसे अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। हमेशा रहमान से कहती थी कि रहमान तुम्हारी बीवी ना सब्ज कदम है, बर्बाद कर देगी तुम्हें। और पता रहमान क्या कहते थे, हमेशा रहमान ने कहा भाई मुझे तो सब्ज रंग बहुत पसंद है। ठीक बैठो। पता है मैं यही सोच रही थी कि मैं जाऊं और तुमसे मुलाकात ना हो सके। तो मम्मी आप कॉल कर देती मैं आ जाता। मैंने कहां जाना? शावेज क्या बात है बेटा? मामू नहीं आए? हाँ वो ईशल की वजह से नहीं आए, वो अकेली थी ना घर पर। अगर बेटा तुम्हें मामू से मिलना हो तो तुम आ जाओ ना घर। वैसे अच्छा होता अगर वो आ जाते, ताकि मैं आप सबसे एक ही दफा माफी मांग लेता। क्या बात है बेटा? शावेज क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो। खाला माफी मैंने उस बात के लिए मांगनी थी जिस बात की वजह से हम सब इस अजाब से गुजरे, और मैंने आप सबको ये बताना था कि अब वो बात खत्म होगी। शावेज बेटा तुम क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो, बताओ ना कि क्या बात है। अम्मी मैं अस्मा को तलाक दे रहा हूं।